लॉकडाउन किए जाने के बाद जनमानस से अपील की जा रही है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को हम रोक सकते हैं अगर हम कानून का पालन करें। यही अपील धर्म गुरुओं द्वारा अपने अपने मंचों से की जा रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित मस्जिद नूरी की ओर से इमाम साहब द्वारा यह ऐलान किया गया है कि लोग अपने घरों पर रहे, प्रशासन का सहयोग करे, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो फिर उस पर प्रशासन सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा। हमारे संवाददाता ने जब मस्जिद के इमाम से बात की तब उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का पालन कर कोरोना वायरस को आसानी से मात दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से घबराने की वजह जागरूक होना चाहिए। वहीं सनातन धर्म से धर्म गुरु एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान द्वारा भी आमजन से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। दी जाती है कि कल प्रशासन की तरफ से सख्त नोटिस आए हुए हैं कि कोई भी करता हुआ ना पकड़ा जाए, किसी भी जगह मस्जिद में, कब्रिस्तान में बराए मेहरबानी भीड़ ना लगाएं, किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन ना किया जाए, और अगर कोई करता हुआ पाया गया तो वो खुद ही जिम्मेदार होगा। इसलिए बराए मेहरबानी मस्जिद में आने की कोशिश ना करें, कान में भीड़ लगा करके ना जाएं, बल्कि कब्रिस्तान में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि प्रशासन का सहयोग करें। ये हमारा किसी भी तरीके से कानून का कोई मेहरबानी, आप लोग शाम को अपने घरों में रह करके इबादत करें, मस्जिद में ना आए या गली की कोई भी, और अगर कोई कहीं भी भीड़ या किसी तरीके के चार पांच लोग बात करते हुए पकड़े गए तो वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए तमाम अहले बस्ती के लोग कानून का, प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन का उल्लंघन ना करें, अपने घरों में रह करके इबादत करें। हजरत, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद हसन। मुजाहिद साहब, कौन सी मस्जिद के इमाम हैं आप? मैं सही हुलशनगंज गागन का जो इलाका है ये, इसी मस्जिद का इमाम हूँ। तकरीबन मुझे ढाई तीन साल हो गए हैं। क्या ऐलान किया गया आपके द्वारा आज? ये ऐलान यही किया गया है कि कानूनी तौर पर हमें जो कल नोटिस मिले थे कि कोई भी मस्जिद में या किसी भी जगह किसी तरीके की भीड़ नहीं लगाई जाए, कब्रिस्तान जो लोग हम सभी बारात पर जाते हैं भीड़ इकट्ठा करके, उसके लिए भी मना किया गया है। और हम यही चाहते हैं कि प्रशासन का सारे लोग सहयोग करें, क्योंकि ये हम सब के लिए सेफ्टी के लिए कहा गया है। कोई भी कानून का उल्लंघन ना करे, और हम सारे लोगों को यही बता रहे हैं कि कोई अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो वो खुद जिम्मेदार होगा उस चीज़ का। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी ये जो कुछ भी प्रशासन या कानून कर रहा है हमारी सेफ्टी के लिए कर रहा है, और हम सबको मिल करके प्रशासन के साथ खड़े होना है और उनकी मदद करना है, ये हम सब के भलाई के लिए है। अच्छा, उन मुसलमानों से क्या संदेश देना चाहते हैं शब बरात आज के दिन? लोग मुसलमानों को मैं यही संदेश दूंगा, क्योंकि हमारे शरीयत में भी है और ये हमारे इस्लाम में भी है कि अगर किसी तरीके की कोई मजबूरी है तो हम इबादत घर पे रहकर भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में आएँ जब इबादत होगी। अगर कोई उज़्रे शरी है तो हमारा इस्लाम ये कहता है कि घर पर रह कर के हम इबादत कर सकते हैं। अतीक अहमद सैफी। अतीक साहब, कहाँ पर रहते हैं आप? मैं लाकड़ी फाजिलपुर हुलसनगंज में रहता हूँ। जैसे मस्जिद से ऐलान हुआ है तो क्या आदेश थे प्रशासन के और क्या मानते हैं आप इसको? तो प्रशासन के आदेश तो ये हैं कि जो कि आज देख रहे हैं कि दुनिया में क्या माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो लॉकडाउन किया है दुनिया अपने हिंदुस्तान के अंदर, तो उसका सभी को पालन करना चाहिए। उसी के साथ में यहाँ का मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन, चाहे वो डीएम साहब हों या हमारे कप्तान साहब हों, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि पूरे ज़िले को इस तरीके से संभाले हुए हैं कि जो कि हमारे मुरादाबाद में अभी एक केस भी कोई नया नहीं आया है इस तरीके का। मुरादाबाद की आवाम से क्या अपील करना चाहोगे इसमें? मैं मुरादाबाद की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से जो प्रशासन के आदेश हैं उसका पालन करें हर तरीके से, और उसका किसी तरीके से पालन नहीं किया किसी ने तो उसके खिलाफ बहुत कार्रवाई की जाएगी। कल भी हमारे थाने से थाने मंजुला इंस्पेक्टर हमारे वो भी थे, और जिसमें कि हमारे संजय सिंह एसएसआई वो भी आए थे कल, उन्होंने मीटिंग की थी थाने मंजुला से आने के बाद,
यहाँ के मस्जिद के जो मुदबल्ली वगैरह थे सब लोगों को इकट्ठा करके हमें इकट्ठा करके कल मीटिंग की थी। उन्होंने कहा कि कल की बोले देखो कानून का कोई उल्लंघन ना हो, मस्जिद में जो भी है भीड़ लगाकर नमाज ना पढ़ें और कहीं कब्रिस्तानों में किसी तरीके की भीड़ ना जाए, ये गलियों में खड़े ना हो, किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मस्जिद में जमात के साथ में नमाज ना अदा होगी। और हर तरीके से मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ऊपर भी धर्म गुरु हैं उन मुरादाबाद के अंदर भी मैं देख रहा हूँ हमारे शहर इमाम ने भी ऐलान कर दिया है कि हम मस्जिदों में इबादत ना करें, बल्कि सुबरात का दिन है, सुबरात की वजह से अपने घरों पर इबादत करें, जो भी अल्लाह से जो भी दुआ करनी है जो भी इबादत करनी है अल्लाह के उसमें तो अपने अपने घरों पर ही नमाज पढ़ें, नमाज अदा करें, किसी तरीके का भी कोई कानून का उल्लंघन ना करें। और किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहुत सख्त की जाएगी। मैं तो पूरी आम जनता से एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना, एक ही अपील करना चाहती हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी बार बार जनता से आह्वान कर रहे हैं कि इस कोरोना रूपी महामारी से बचने के लिए हम सबके पास एक ही रास्ता है कि हम अपने घरों से बाहर ना निकलें और लोगों को भी हम बाहर ना निकलने की सलाह दें। और देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है उसमें हम सरकार और प्रशासन का भी सहयोग करें। जो गली मोहल्लों में प्रबुद्ध लोग हैं मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहती हूँ कि एक ऐसी टीम बनाएं कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें बाहर निकलने से रोका जाए और कोई बाहरी व्यक्ति हमारे मोहल्ले और गली में ना आए, क्योंकि इस कोरोना रूपी महामारी से बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करने के लिए बाहर ना जाने की सलाह दें। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कंधा से कंधा मिला के आज जनता के बीच खड़े हैं। हमें ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है कि हम सबके लिए गर्व और सम्मान की बात है। मैं पूरे देश से पुनः अपील करना चाहती हूँ कि इस कोरोना रूपी महामारी से बचा जा सकता है और इसका बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बाहर ना निकलने की सलाह दें। अगर किसी चीज़ की आपको आवश्यकता है, जो भी ज़रूरी बस्ती हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, प्रशासन और सरकार उन चीज़ों को आपके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी योजनाएं, ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, इसलिए मेरा सबसे पुनः आह्वान है, निवेदन है कि इस महामारी को भगाने के लिए हम सबके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। अगर किसी ज़रूरी काम से हम घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, अपने चेहरे पर कपड़ा, रुमाल या जो भी चीज़ आप बांधना उचित समझते हो अपने फेस पे बांध सकते हैं। और दूरी का विशेष ध्यान रखें, अगर कहीं जाते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी हम बना के रखें। मेरा सबसे निवेदन और प्रार्थना और आग्रह है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.